सो भाई ये बालकनी व्यू है यहाँ से। लास्ट टाइम हम लोग ऊपर नहीं आए थे यार, ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो हम लोग सीधे निकल गए थे। आज अपने पास टाइम है, 7-8 घंटे में, 7-8 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे मनाली। ये देखो यार, फुल नज़ारा है भाई ये तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। सो ये न्यू कुफरी है यार, मतलब शिमला के आसपास ही पड़ता है ये। और लास्ट टाइम जहाँ स्टे किया था सेम होटल में अपन स्टे कर रहे हैं। और कल भाई अपन पहुँच गए थे यार, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सीधे डिनर किया और सो गए। फिलहाल अभी हो चुके हैं सुबह रेडी, जीना भी रेडी हो रही है और आज यहाँ से निकलना है अपन को मनाली। सो स्पीति सीरीज जो थी यार वो इतना ही था, आगे तक खुला होता तो अपन ज़रूर जाते, बट अभी फ़िलहाल निकलेंगे यहाँ से मनाली। और आज है 21 तारीख, सो अपने पास एग्जैक्टली 10 दिन बचते हैं, 9 दिन बचते हैं, बिकॉज 2 दिन अपन को दिल्ली पहुँचने में लग जाएगा। सो फिलहाल अभी चलते हैं मनाली साइड, एक्सप्लोर करते हैं मनाली, आगे जहाँ तक जा सकते हैं उतना ट्राई करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो फिलहाल यार अभी अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, ऊपर अभी बूफे लग गया होगा, लगने वाला मतलब 15 मिनट अभी। सो ऊपर चलते हैं, जीने जब तक रेडी वेडी होती है और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सीधे निकलते हैं यहाँ से मनाली के लिए आज। सो भाई ये बालकनी व्यू है यहाँ से। लास्ट टाइम हम लोग ऊपर नहीं आए थे यार, ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो हम लोग सीधे निकल गए थे। आज अपने पास टाइम है, 7-8 घंटे में, 7-8 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे मनाली। सो आज ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। फिलहाल ये अपना नज़ारा है पीछे का, बहुत सही और लोकेशन काफ़ी सही है यार। यहाँ ऊपर रोड, बिल्कुल रोड साइड है, पार्किंग अवेलेबल है, अच्छा होटल है। सो निकलते हैं यहाँ से अब। सो भाई ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, ये अपना डाइनिंग एरिया पूरा। सो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट यार और निकलते हैं यहाँ से। ऑलरेडी अपन लेट हो चुके हैं, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 8:20, तो 9 बजे तक यहाँ से निकलना और सीधे निकलना मनाली के लिए। अपन जा रहे हैं शिमला वाले रूट से, यहाँ से अभी 7:01 दिखा रहा है और अभी टाइम जो हो रहा है वो है 9:03। सो अपन का जो टाइम था उसी टाइम पे अपन निकल रहे हैं यहाँ से, विच इज़ अ गुड थिंग। और फिलहाल 8 बजे निकलने वाले, लेकिन ब्रेकफास्ट ही 8 बजे लगता है। और यार इन लोगों का ना इस होटल में लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टे किया था, सो 2300 का रेट पड़ा था हमें पर नाइट का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। नाउ दे आर सेइंग कि एवरी डे हमारे रेट जो है वो चेंज होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीकेंड। अब लास्ट टाइम भी मैं वीकेंड पे ही था भाई यहाँ पर। सो कल इन्होंने हमको 2700 बोला, लेकिन कम करा के फिर वो 2600 में हुआ। बट अगेन यार ये सिर्फ रहने के लिए क्या लॉजिक बनता है यार, इतना महंगा। बट चलो सामने माता का मंदिर है, जय माता दी। सो गाइस ये देखो रास्ता, सो थोड़ा सा आगे आते हैं ना तो एक रास्ता ऊपर के लिए कट जाता है और यहाँ से रास्ता फिर आपको नीचे के लिए लेके जाता है। बीच में मार्केट पड़ती है और अब अपन इसी रास्ते को फॉलो करते हुए अपन निकलेंगे मनाली के लिए। लेकिन भाई ट्रक देखो यार, पोल्यूशन देखो ट्रक का, ऊपर चढ़ रही है तो खतरनाक तरीके से धुआं छोड़ रही है गाड़ी। ट्रक के लिए यार उनका टारगेट ही होता ना, रॉन्ग तो है ही, क्या क्या बोल सकते हैं, बट टारगेट जॉब में ऐसा ही होता है। मनाली में भी मिलेंगे ऐसे बहुत सारे। ओके देता हूँ मैं पिकाचू आपको, दूंगा मतलब दूंगा। हाँ अरे आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स या
कैफे के नाम पे हलवा दोगे मुझे आप। ये इस तरह करना जरूरी था? यस। वो पीछे से लाइट देखो कैसे पड़ रही है इसमें कैमरे में, देखो पीछे की जो लाइट पड़ रही है ना, जरा सा व्यू है पीछे का। इसका बैटरी खत्म होने वाला है अभी, है टाइम, बैटरी चार्ज है वैसे ऑलरेडी 6 hours 54 minutes। स्टॉप काउंटिंग ना, टाइम जाता नहीं है फिर। हमारी साफ करनी पड़ेगी एक बार, देखते हैं मनाली में वॉश करा लेंगे, नहीं तो एक बार करा ही लेते ना, बहुत गंदी हो गई। बारिश हो जाए तो मजा आ जाए, सिर्फ कपड़ा मारना पड़ेगा। नहीं, मनाली साइड दिखा रहा है बारिश होगी करके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वहां पर तोश भी है कसौल के, हां शायद तोश साइड तो मैं गया नहीं, जाना है तो चल सकते हैं, देखते हैं। भाई मेरा हमारे पास क्या बतेरा होता मसाला वाला तो यार, ऐसे एकदम से बोलोगे तो कैसे होगा? मैंने तो अभी देखा ना मोड़ पे, बस मनाली साइड मिल जाएगा। और ये देखो यार सामने याद, देखो हम यहाँ से ना फर्स्ट डे आए थे, वही तो मन जब शिमला चढ़े थे तो इस वाले रास्ते से आए, तो इस वाले रास्ते से आए थे। वही मैं भी सोच रहा था कि मैंने कहा देखा जैसा तो लग रहा है, कल हम पीछे के रास्ते से आए थे। सो भाई ये देखो यहाँ पूरा का पूरा एरिया घेरा हुआ है, बिकॉज टूरिस्ट यहाँ से व्यू पॉइंट देखते हैं, और इसी चक्कर में पूरी रोड जो है ट्रैफिक कर दिया इन लोगों ने। सो गाइस ये यहाँ से इस चक्कर से राइट लेना है हमें नीचे को, सर जी मनाली के लिए यही वाला रास्ता, शुक्रिया जी। सो भाई अपन ने ट्रैफिक वाले उन भैया से ही पूछ लिया, और उन्होंने कहा यही वाला रास्ता है, सो ये रास्ता नीचे को कट जाता है, ये आगे जाके हमें लेके जाएगा मनाली की तरफ। सो वैसे ये तरीका सही है यार, शिमला आ जाओ एक दिन, शिमला रुको, साइट सीइंग करो, और मनाली निकल जाओ यहाँ से, मनाली बेबी। मनाली से कुछ और याद आता ना मुझे, क्या मलाना माल। तो माल से खांसी, सारी की सारी चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं। ये देखो वैन, ओमनी वैन पे उन्होंने मर्सिडीज का भाई, ये भी इसमें भी बोले रहो भी। सो भाई ये लेफ्ट पे टनल है, इस टनल से अभी हम लोग आए थे, और यहाँ से हमें नीचे को उतरना था, बट गूगल कभी कभार ऐसा दिखाती, समझ में नहीं आता कि भाई राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, तो हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, फिर आगे से यूटर्न काट के आए, और यहाँ यूटर्न भाई बहुत मुश्किल है, तो आगे यूटर्न ही नहीं है, बहुत आगे जाके यूटर्न मिलता है आपको, तो ध्यान रखना अगर आप मनाली साइड जा रहे हो, आपको टनल से सीधे नीचे को निकलना है। तो भाई बीच में आपने रास्ता देखा होगा, फुल गलियों के बीच से होता हुआ जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नैरो, और फिर नीचे जाके मेन हाईवे वाला रास्ता कनेक्ट होता है। ये फिलहाल अभी बिलासपुर के लिए निकलेगा, तो अपन है बिलासपुर वाले रूट में। थोड़ी सी अगर सुबह निकल जाओ शिमला से मनाली के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने यार ब्रेकफास्ट के चक्कर में ना थोड़ा लेट हो गया, अगर सुबह 6 बजे निकल जाते कोई दिक्कत नहीं रहती तब, बिकॉज इतना ट्रैफिक नहीं रहता है ना सुबह सुबह। सो
बस ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या यार, अब वही है ना कि एक तो इतना ह्यूज अमाउंट होटल वाले चार्ज कर लेते हैं, सो बेटर है कि ब्रेकफास्ट करके ही निकलो, क्योंकि अगर वहाँ नहीं करोगे तो आगे कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। सो चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से भाई 5 घंटे 47 मिनट दिखा रहा है और 218 किलोमीटर है, 4:20 तक दिखा रहा अपन पहुँच जाएंगे मैक्स टू मैक्स, बट एग्जैक्टली ऐसा होता तो है नहीं, तो 4:20 दिखा रहा है तो मैक्स टू मैक्स 5 लेके चलते हैं टारगेट कि 5 बजे तक अपन मनाली पहुँच जाएँ। बाकी ऑल सेट गोलू, कुछ हो रहा है अभी तक फील वॉमिट या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं। सब गुड? चलो भाई ऑल गुड। सो गाइस हम लोग हैं नलाक के पास और अभी यहाँ से 4.5 घंटे बचे हुए हैं। रास्ता सही है, पूरा हाइट वाला रास्ता है फिलहाल अभी, तो सही से चढ़ रहे हैं अपन। बस दिक्कत सिर्फ एक ही चीज़ की है कि इस रास्ते में बहुत सारे ट्रक और बसेस आते रहते हैं बैक टू बैक, बस वही दिक्कत है। देखो सामने सारे ट्रक यहीं पार्क हो रखे हैं, सो यहाँ पे या तो कोई सर्विस सेंटर होगा या कोई ढाबा होगा, इसीलिए ये लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, पर जैसे ही इनका काम डन होता है ये नीचे को उतर जाएंगे बैक टू बैक। सो रास्ता थोड़ा सा छोटा है तो ध्यान रखे भाई, अपनी गाड़ी से अगर आ रहे हो अपनी साइड दबा के चलो, क्योंकि ये है भाई हैवी ड्राइवर, ये ना देखते किसी को। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरा एक ऑफिस फ्रेंड है भाई, ड्यूरिंग कोविड उसने मनाली में अपना फैमिली रेस्टोरेंट शुरू करा है, सो पहले हम लोग वहाँ जा रहे हैं और उससे मिल के फिर अपन अपने होटल जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, 3 साल बाद में मिलने वाला हूँ उससे। सो भाई गर्मी हो रही है ख़तरनाक और फिलहाल यार अभी रास्ते में हर जगह जूस की ऐसी दुकानें मिल रही हैं, तो अपने सोचा कि यार क्यों ना जूस पिया जाए, थोड़ी देर एक स्ट्रेच भी ले लेंगे जूस पीते हैं। ये कौन सा एरिया पड़ता है भाई जी? कौन सा एरिया पड़ता है? झुकाला। बिलासपुर अभी आगे पड़ेगा ना? बिलासपुर में ही है। अच्छा 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 तो भाई ये बिलासपुर में ही पड़ता है और फिलहाल गाड़ी में चल रहा है स्नैकिंग, और ये औरत मुझे नहीं खिलाती है, खुद खाती है अकेले अकेले। इस तरफ मशीन हो गई है शुरू, अब गन्ना डलेगा और जूस निकलेगा मस्त एकदम। सो भाई आ गया अपना जूस, चीयर्स। पूरा वाइट दिख रहा है सब, अब दिख रहा होगा। सो भाई ये है सामने जूस वाले भैया, बस जूस बनाया भाई गन्ने का, मजा आ गया। इस गर्मी में पहली बार अपन ने गन्ने का जूस पिया है, सो मजा आ गया। 4 ग्लास बनवा लिया भाई, जिसमें 3.5 ग्लास मैं पी गया, सॉरी 2.5 ग्लास मैं पी गया और 1.5 ग्लास ये पी गई। आपका फोन गाना? फोन मेरे पास गाने चलाने चाहिए क्या वो? नहीं। सो भाई निकल चुके हैं यहाँ से और गर्मी यार अच्छी खासी पड़ रही है फिलहाल अभी, मतलब मुझे लग रहा है वही सही था, नाक को काजा ही सही था अपने लिए। नहीं, भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सर्दियाँ, फिर भी अपन झेल लेते हैं। अपने वो लगा लिया सीट बेल्ट, ठंड चाहे जितनी भी हो चल जाएगी, बट गर्मियाँ यार नहीं होती अपन से बर्दाश्त, ऑल्दो हर साल अपन बर्दाश्त कर ही लेते हैं कैसे भी करके।
सो भाई ये पहला ब्रिज आया है अपना मनाली के लिए, यहाँ से राइट के लिए बता रहा है ऊपर ये रास्ता, सभी चलते हैं ऊपर। सो भाई ये मंडी 45, कुल्लू 115, 155 मनाली, लेफ्ट लेना है अपन को। तो ये ब्रिज आएगा यहाँ से लेफ्ट में, इस ब्रिज से सीधा लेफ्ट ले लेंगे अपन। एंट्री हो गई सुंदर नगर में और अब यहाँ से पड़ेगा मंडी भाई, द वेरी फेमस मंडी। गोलू मंडी पहुंचेंगे, मंडी आंधी मंडी सांदी, मैनू चाहिए बियर चांदी। सो भाई ये आ गया सुंदर नगर मेन चौक, सुंदर नगर हार्ट ऑफ हिमाचल। सो गाइस ये जगह है बदला मंडी, यहाँ पे डोमिनोज अभी रिसेंटली खुला है। सो अपन ने बाहर लगाई गाड़ी, जीना को वॉशरूम जाना था और अपन ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया टेक अवे। सो खाते हुए चलेंगे यहाँ से। क्या खाते जाएंगे अब? सो जी खाने के लिए अपन ने ले लिया पिज़्ज़ा और पीने के लिए अपन ने ले लिया माउंटेन ड्यू। फिलहाल अभी ये है कौन सा मंडी बोला था उसने, बदला मंडी ऐसी कुछ बोला था, सो समथिंग लाइक दैट, बट मंडी अभी आगे रहता है यहाँ से। मंडी वी आर गोइंग टू मंडी, हाउ आर यू गोइंग टू ईट बेबी, हाउ आर यू गोइंग टू ईट, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। रोल बना के मुंह में ठूंस दे, ऐसे करूंगा मैं भी, ध्यान रखना फिर। चलो भाई चले हम लोग। सो यहाँ से अभी, अरे यार एक तो ना स्कीम, वाह दिस इज टू बिग, नहीं खाओगी क्या? रास्ते में उल्टी करते जाऊंगा। सो भाई चल पड़े अपन, मैप is activated. So are we? इस पर डाल लो ना वो ओरिगन और सामने पड़ा हुआ सब कुछ। यही तो दिक्कत है ना, खाते वक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। ये लो। You're on the fastest route despite slower than usual traffic. You should reach your destination by 5:18 p.m. अरे भाई निकाल ले यार, खाली है रोड, बेफाल तुम पैपा कर रहा है। ये कुछ नजारा है बाहर का और गर्मी जो पड़ रही है ना बाहर भाई, अंदर डोमिनो तो बैठे थे उनका एसी काम नहीं कर रहा था, अभी नया यूनिट है इनका। डोमिनोज वालों अगर देख रहा हो भैया एसी करा लो, ठीक है गर्मी पड़ रही है, ठीक है अच्छी बात है। और चाहते तो यार बैठ के खा सकते थे, बट वही है टेक अवे का बेनिफिट है धीरे धीरे। सो भाई पूरा रेड हो रखा है इस वक्त ये एरिया, गूगल पूरा मैप पूरा रेड दिखा रहा है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है इस एरिया में। I believe this is Mandi. Mm-hmm. वाना? I think so. So
सामने अपने आ गया गुरुद्वारा और यहाँ पे सेवा चल रही है भाई गर्मी में। बढ़िया सेवा चल रही है यार, बढ़िया बढ़िया है। सुबह आ गया, रास्ता खतरनाक हो गया है, पूरा खुदाई उदाई हुई है भाई सिर्फ पहाड़ों की। तो फ्यूचर में रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है यहाँ पर, तो फ्यूचर पे ये रोड थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी, बट अभी तो फिलहाल इस चक्कर में ट्रैफिक यहाँ पर स्लो है। हाँ जी, सो भाई ये व्यास के व्यास नदी के ऊपर इस वक्त फिलहाल हम लोग हैं और बहुत ही सही लंबा चौड़ा ब्रिज बना हुआ है ये, अच्छा बहुत ही सुंदर लग रहा है। थोड़ा बहुत मरम्मत की जरूरत है लाइट्स की। देखो गाइस ऊपर मस्त टनल निकल रही है, बट ये आई बिलीव ट्रेन के लिए है, तो इन फ्यूचर बड़ा मजा आने वाला है अगर ये ऐसे टनल टू टनल ट्रेन निकलेगी तो बहुत सही होने वाला है। दिल्ली टू लद्दाख की डायरेक्ट ट्रेन हो जाए तो मजा आ जाएगा कसम से। सो भाई हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर, मेरे गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी तो मैंने अभी वो चेंज करी है फिलहाल, और आपको दिखाता हूँ सामने नज़ारा। ये देखो यार भाई फुल नज़ारा है भाई, ये तो लाइटनिंग देखो ऊपर बहुत ही सही भाई। ना देखो सामने, हाँ देखा मैंने रात को, इतना अच्छा लगता है। अभी रात ही है, रात को भी ऐसे ही लगेगा, स्पेशल नहीं लगेगा रात क्योंकि अंदर तो अंधेरा ही है ना, पर बहुत सुंदर बनाया भाई। अब स्पीड लिमिट पता नहीं कितनी है यहाँ पे, बट ब्यूटी भाई ब्यूटी। बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, ये देखो नहीं है टनल जी ना इस तरफ, देखो था तो नहीं है, वन साइड है सिर्फ।
आई होप यार ये अच्छा लगा आपको, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है करके, और बहुत ही सही टनल, दो टनल, टनल 11 और टनल 12, बीच में एक छोटा सा कट आता है और उसके बाद टनल 12 शुरू हो जाता है, और करीब करीब 6 किलोमीटर। ओ सामने एक और टनल आ रही है भाई, वाओ आज तो लगता है टनल टनल खेलने वाले हम लोग। वो देखो सामने एक और टनल है, ये फिर से एक टनल है यहाँ लेफ्ट में, एंड दिस इज बट ये पुरानी लग रही है, तो नई तो लग रही थी भाई ये तो, सो आई बिलीव ये पुरानी वाली टनल है, बिकॉज हाँ इस टनल में आया हूँ, और इस टनल के बाद शायद पूरा का पूरा नज़ारा बदल जाता है बाहर का। सो फिलहाल अभी बिल्कुल देखोगे रॉ वाली टनल है, पत्थर पत्थर पूरा दिखता है इस टनल में। बहुत साल पहले जब मैं आया था तो पानी वानी भी गिरता था इस टनल से, आई एम नॉट श्योर कि अब गिरता है कि नहीं गिरता। सो ये भी काफ़ी अच्छी टनल है यार, रॉ टनल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई होप कि इसके बाद बाहर निकलने के बाद टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, बिकॉज लास्ट टाइम तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया था, नॉट श्योर इस बार ऐसा होता है कि नहीं होता। हमारा टेक ओवर हो चुका है, देखो जरा इधर दीना उधर से दिखाओ, मैं तेरा गाड़ी इधर से निकालता हूँ, शीशा नीचे कर लो। नीचे करके दिखाओ ना, दादी तो सारे कवर हो गए हैं। पूरा रास्ता टेक ओवर हो चुका है हमारा, और बहुत सही लग रही है यार ये, लगती नहीं किसी को बहुत टैलेंट है भाई लोगों का, कि सिर्फ सीटी मार रहे हैं और वो समझ जा रही है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जस्ट हाफ एन आवर लेफ्ट गाइस एंड विल बी रीचिंग आवर डेस्टिनेशन, सीधे मिलते हैं यार अब डेस्टिनेशन पे। सो गाइज ये आज की हमारी लोकेशन, थ्रॉटल श्रॉटल मोटो कैफ़े, और ये गुड़गांव में भी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। अभी हम लोग हैं कुल्लू में, सो मेरे फ्रेंड का जो आगे कैफ़े था यार, हम लोग वहाँ रुके थे, बट आप लोगों को दिखा नहीं पाया, वो कल सुबह अपन ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे तो बढ़िया से दिखाऊँगा आपको। फिलहाल भाई ये लोकेशन है, अमेजिंग कैफे, फुल बाइक शाइक लगी हुई है, आपको लेके चलता हूँ अपने रूम की तरफ और रूम टूर देता हूँ आपको बढ़िया सा एक।
सो फुल यार वुड फर्निश्ड है और अपना रूम नंबर है 4। नॉक नॉक। हेलो गोलू, यू लाइक द रूम? यस। सो ये रूम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई फिलहाल, अभी पसीना आप लोग देख ही रहे हो मेरे माथे पे। सो अभी अपन फटाफट चेंज करते हैं और रीज़न बीइंग यार ये रूम लिया बिकॉज नीचे यहाँ पे गाड़ी अपनी यहीं पे है मेरे, तो अपन को नज़र पे भी रखेगी गाड़ी, प्लस अपने फ्रेंड का कैफ़े आ गई है पास में तो सुबह लेके चलूँगा आपको वहाँ पे। फिलहाल तो अभी यही सीन है कि फटाफट खाते हैं और सोते हैं टाइम से बिकॉज कल बहुत सारे काम करने हैं यार। अपन को सुबह महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाना है एक बार गाड़ी दिखाने के लिए, शायद एयर फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा इसका बिकॉज पिकअप पे दिक्कत आ रही है थोड़ी यार, स्पेशली जब गाड़ी चढ़ रही है तो। सो विल ट्राई, विल सी। सो गाइस ये है अपना डिनर, अभी फ़िलहाल धीरे धीरे करके आ रहा है। सो मेरा प्लेटर खाने का मन था और जीना का पास्ता खाने का मन था, तो इसका पास्ता में अभी टाइम लग रहा है, अपना आ गया है। सो खाते हैं और सोते हैं और फिर सुबह नया व्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टेक केयर, आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।